पर आज की वीडियो नीट यूजी 2023 की कट ऑफ को लेकर रहेगी। गाइस पेपर आप सभी ने दे ही दिया है, पेपर का लेवल आप सभी जान चुके हैं क्या लेवल रहा है। तो पेपर के बाद का एनालिसिस इजी रहा, टफ रहा, मॉडरेट रहा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इस पेपर में कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने और मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कैसा रहा नीट का पेपर, कैसा लगा स्टूडेंट्स को, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, एग्जाम रिजल्ट कट ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2023 का जो पेपर रहा है वो कैसा रहा है। तो गाइस जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का रहा था, ठीक है। पेपर का लेवल जो एनालिसिस था वो ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको, पेपर मॉडरेट लेवल का था। बायो सेक्शन इजी रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो मॉडरेट लेवल की रही है। अब बात करते हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी, अप्रोक्स कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूँ, देखिए दो टाइप से कट ऑफ जाएगी, एक ऑल इंडिया कोटा की जाएगी और एक आपकी स्टेट कोटा की जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन होता है 15% का होता है, स्टेट कोटा 85% का रिजर्वेशन होता है, ये आप सभी को पता है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है हमेशा ही स्टेट कोटा से। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी मार्क्स 680 प्लस होने चाहिए तो ही आपका जो है जो टॉप कॉलेजेज होते हैं ऑल इंडिया कोटा में वो कॉलेजेज आपको मिलेंगे। हाँ, अगर स्टेट कोटा में आपको कॉलेज लेना है गवर्नमेंट कॉलेज ही, तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी ब्लो जाएगी, आपकी 650 के अराउंड जो है आपकी कट ऑफ जाएगी स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही हाई रेंज मैंने दे दी, ठीक है, हाई रेंज नहीं है गाइज। कट ऑफ आप लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर उठाकर देखेंगे तो भी कट ऑफ इतनी ही गई है गवर्नमेंट के लिए। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाती है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रहेगी। अगर आपके इतने मार्क्स है तो 100% जो है आपका सिलेक्शन श्योर है। अब गाइज हम बात करते हैं, कट ऑफ भी आपकी वेरी करती है कैटेगरी टू कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताई है ये मैंने। अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो होती है वो सबसे हाई जाती है, ये आप सभी को पता है। ओबीसी की आपकी बिलो जाती है, एससी की आपकी बिलो जाती है, एसटी की उससे भी बिलो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है 650 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, एससी कैटेगरी से है 600 में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा का मिल जाएगा, स्टेट कोटा की तो मैं बता ही नहीं रही। स्टेट कोटा में तो और भी कम 580-570 मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अब अगर गाइस हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कि प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी जाती है, अब देखिए जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में दो टाइप की सीटें होती है, एक तो आपकी नॉर्मल सीट होती है प्राइवेट में, एक होती है आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें। तो मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें होती है प्राइवेट सीट से 4 गुने रेट में ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा की सीटें बिकती है। अगर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में आपको नॉर्मल सीट चाहिए, जनरल सीट अगर आपको चाहिए, तो आपकी कट ऑफ कंपेयर देन आपका गवर्नमेंट से ऑब्वियसली कम जाएगी, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि मेरे स्टूडेंट के तो 200 ही नंबर थे फिर भी उनको एमबीबीएस मिल गया, कैसे हो गया, तो उनको बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या 100% है, सीटें मिल जाएगी आपको, लेकिन उनकी फ़ीस भी पूछना कि उनकी फ़ीस कितनी लगी है, कैसी सीट थी। मैनेजमेंट कोटा की सीट उठाते हैं वो, जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती है उनकी फ़ीस 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल फीस से, जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी होती है उनसे 5 गुना ज़्यादा फीस लगा कर चलिए आप मैनेजमेंट कोटा की, ठीक है। तो जो 200 नंबर वाले जो है, जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है, तो उनके अंदर भी एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि मिनिमम जो
क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो एनटीए के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम इतने नंबर तो होने ही होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर है 80, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है और 80 नंबर में आप चाह रहे हैं कि कितने भी पैसे लगाए लेकिन इंडिया से हमारे MBBS हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा 80 मार्क्स में। पॉसिबल तब होगा जब एनटीए डिसाइड करती है कि कितने मार्क्स, मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस मैं मिनिमम, वैसे जो मैं बता रही हूँ उससे कम ही जाएगा, लेकिन मिनिमम आपके 150 टू 170 के करीब मार्क्स होने ही होने चाहिए तभी आप सोचिएगा। क्योंकि अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, फाइनेंशियल बेस पे भी मान लो आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आगे का क्या आप जो उनका कोर्स होगा, जो MBBS का कोर्स होगा, क्या आप वो क्लियर कर पाएंगे, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पहले क्या होता था, कितने टाइम में भी आप कर लो, लगे रहो, लेकिन अब चार बार मैक्सिमम टाइम दे दिया, आप चार बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर चार बार में अगर आपके फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुई तो आप फेल समझे जाओगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहले से ही सोच समझ कर एडमिशन लेना है, ठीक है। फिर भी अगर इस सबसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।